नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत चंदावा। दिल्ली के अस्पतालों में बाहरी लोगों का इलाज रोकने के अरविंद केजरीवाल के आदेश को एलजी अनिल बैजल ने बदल दिया है और इसके बाद राजनीति गर्मा गई है। केजरीवाल ने इसे दिल्ली वालों के लिए बुरी खबर बताया तो मनीष सिसोदिया ने सीधे बीजेपी के दबाव में एलजी पर फैसला लेने का आरोप लगा दिया कि कोरोना तक, जब तक कोरोना है दिल्ली में, तब तक दिल्ली के अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व होने चाहिए। दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। दिल्ली के मुखिया के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों के इलाज वाले आदेश को अभी 24 घंटे ही हुए थे कि राजधानी के सुपर बॉस ने फरमान पलट दिया। एलजी अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री के आदेश पर रोक लगा दी। उपराज्यपाल ने दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन की हैसियत से सीएम के फैसले पर वीटो लगाया है। नए आदेश के मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में सभी लोगों का इलाज होगा, यानी बाहर से आने वाले भी जगह खाली होने पर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। इधर उपराज्यपाल ने फैसला बदला, उधर दिल्ली सरकार खफा हो गई। केजरीवाल ने तुरंत ट्वीट कर इसे दिल्ली वालों के लिए नई मुसीबत बताया। केजरीवाल ने लिखा, एलजी साहब के आदेश ने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती पैदा कर दी है। देश भर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना महामारी के दौरान इलाज का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है। शायद भगवान की मर्जी है कि हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें। हम सबके इलाज का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री के डिप्टी ने सीधे सियासी गेंद फेंका और बीजेपी की तरफ तोप का मुंह घुमा दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि आप देश में कोरोना के इलाज की राजनीति कर रहे हो, कोरोना के इलाज के काम के लिए काम कर रहे हो, या कोरोना के नाम पे राजनीति कर रहे हो, राज्य सरकारों की योजनाओं को फेल करने की राजनीति कर रहे हो। कल को अगर दिल्ली में जितने बेड हैं वो दो दिन के अंदर अंदर भर गए, तीन दिन के अंदर अंदर भर गए पूरे देश से आके, तो उसके बाद में दिल्ली में कोई आदमी बीमार हुआ, दिल्ली में किसी आदमी की मौत हुई, तो वो कहां जाएगा? आपसे तो कहीं इलाज हो नहीं रहा ठीक से। आम आदमी पार्टी के इस गुस्से को बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने और भड़का दिया है। गंभीर ने तंज कसते हुए ट्वीट किया, दिल्ली सरकार के दूसरे राज्यों के मरीजों का इलाज नहीं करने के मूर्खतापूर्ण आदेश को खत्म करने के लिए एलजी का उत्कृष्ट कदम। भारत एक है और हमें मिलकर इस महामारी से लड़ना है। इंडिया फाइट अगेंस्ट कोरोना। दिल्ली में सियासत की भट्टी तो उसी दिन चढ़ गई थी जब सीएम केजरीवाल ने बाहरी लोगों के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। साफ कह दिया था कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। इस फैसले के बाद दिल्ली में नए नए बने बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पलटवार किया। वास्तव में दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये असंवेदनशीलता है कि आप कोई अस्पताल में आए, कोई बाहर का है, अंदर का है, सबका इलाज होना चाहिए। दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों में बाहरी लोगों के इलाज पर रोक लगाने के पीछे केजरीवाल सरकार की दलील थी कि जून के अंत तक 15,000 कोरोना के मरीजों के लिए बेड की जरूरत होगी। दिल्ली के अस्पतालों में 60-70% लोग दिल्ली के बाहर के थे। ऐसे में बाहरी लोगों को अगर इलाज कराने की जरूरत दी गई तो दिल्ली वालों का क्या होगा? लेकिन उपराज्यपाल के फैसले के बाद दिल्ली के अस्पतालों में बाहरी लोगों के लिए रास्ता खुल गया है। आज उपराज्यपाल के साथ केजरीवाल की मीटिंग तय थी, लेकिन दिल्ली के सीएम की तबीयत खराब होने की वजह से अब मनीष सिसोदिया दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। हो सकता है कि सिसोदिया इस मीटिंग में उपराज्यपाल के फैसले का मुद्दा उछाल दें। पंकज जैन के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।